अरे मेरी रसोई को इतनी हैवी क्यों पसंद है? मैं तो कभी पका पका कर थक गई हूँ। यही तो बस एक ही हुआ है कि मुझे कभी घर भी ना पसंद। हाय हाय, तू अभी की हो सब्जी की ठीक। मेरी तो दुआ है कि मेरे पास ना ढेरों पैसे हो ताकि मैं अपने छोटे बेटे को दोस्त हो ना छोटा सा पालतू पोका खोल के दे दूँ ताकि हमारे पास ना ढेरों पैसे आए और फिर हम ना आराम से बैठ के दोस्त बनाए। अब तमन्नाओं की बात हो ही रही है तो मेरी भी एक तमन्ना है, अरबी को मारा बोल। मेरी तो बस सीधी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा अमरीका जाऊँ। फिल्मों में तो बहुत देख लिया, बस एक दफ़ा असल में देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा शोहर मुझे एक बड़ा सा हार बना कर बड़े बड़े हीरो का। भाभी जी आपकी क्या ख्वाहिश है? अरे मेरी क्या ख्वाहिश, आप जाने दो। होगी ना आपकी भी तो कोई तो ख्वाहिश होगी, बताए ना मेरी। अरे मेरी क्या ख्वाहिश, बस एक ही ख्वाहिश होगी हमेशा मेरी जिंदगी, एक बार मैं 10वीं के इम्तिहान में बैठना चाहूँगी। दसवीं के इम्तिहान और आप देखिए आप जाएंगे स्कूल का बस कब हुआ है इस उम्र में? अरे भाभी जी आप ऐसे देखो जो पूरे भी हो सके, बट ऐसे खाबों में क्या फायदा जो हड्डियां में ही उबल उबल के खत्म नहीं हो जाए। हाँ भाभी जी कोई फायदा नहीं आपके खाबों का। पारों ने कहा शराब पे सुने, पूरी दुनिया ने कहा काम छोड़ो।
लेकिन ना छोड़ो, ऐसा लगता है, क्या लगता है? क्या लगता है? हमें भी लगता है जब मेरा हर एग्जाम में अंडा आता है। ऐसा क्या पेड़ों पे होता है? अम्मा बोले, इस क्या समझाइए उस मामले को? ये क्या है? अरे नहीं जी, पूरी जिंदगी आपने मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में कोई खत नहीं खोलने दिया। ये चिट्ठी तो मेरे नाम पे है, ये मैं खुद खोलूंगी। खोलियो निकालियो, खोली निकाली ले लिया मजा, अब देखने दो। अरे बारे पाकिस्तान पोस्ट वाले, मेरी अम्मा का कार्ड आया है 30 साल बाद, तो 30 साल पहले चला था मैट्रिक बोर्ड से, अभी पहुंचा है। अम्मा की तस्वीर तो आजकल वाली लगी है। अम्मा की, अम्मा जी लगता है कि अम्मा जी का अमेरिका का टिकट आ गया। अम्मा की अमेरिका वाली, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या? अम्मा चाहती हैं, मैं चाहती हूँ, बल्कि हम दोनों चाहते हैं कि अम्मा 10वीं के इम्तिहान में बैठे। दसवीं के इम्तिहान में बैठेगी यार अम्मा, देख अपनी दसवीं के इम्तिहान में बैठेगी। अम्मा कितना ठीक लगेगा मेरे साथ, मेरी अम्मा जा रही है मस्ता लेके पढ़ाई करने। तेरे जो हाल है ना, तेरे साथ तेरे पोते भी जाएंगे। अरे भाई मजाक तो ठीक है, लेकिन ऐसा ये फजूल बातें घर में ना हो, खराब किया हुआ तमाशा बना दिया। अरे तू पीछे हट आ गया अम्मा का। अरे हाँ तो हाँ, क्या क्या है, है क्या बात सुन रहे थे कि अम्मा के लिए तो 10वीं का इम्तिहान है ना, वो ऐसा है जैसे मेरे लिए डॉक्टरी का इम्तिहान। ये इनका शौक है, ये किताबें देखेंगी, मैच पे देख सकते, घबरा जाएंगी, इनका शौक पूरा हो जाएगा और इस तरह घर का माहौल भी खराब नहीं होगा। आबादी समझे, पढ़ने देना है। तो बात तूने सही की है, तू वाकई रेडी बोर्ड का सबसे तालीम याफ्ता जवान है।
बेगम
ये लो बैठो इम्तिहान में, पूरे करो अपने ख्वाब, जी लो अपनी जिंदगी। आप सब लोगों को इनकी एंडिंग कैसे लगी? इनकी और मेरी एक्टिंग और हमारी अम्मा जी और आखिर में हमारे बाबू जी खड़ूस जो मैंने पहली दफा ये किया है बहुत डरते हुए और बस वो मैसेज था, वो पैगाम था जो आप तक पहुंचाना मकसद था कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। पेपर में बैठना तो हमने दिखाया है, ये याद रखना है सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखें, सिखाएं, पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। और अपने ख्वाब को हमेशा पूरा